अब बादलों के बार बार फटने और उनसे होने वाली तबाही के बारे में बात करनी है। इस साल जुलाई के महीने में अब तक बादल फटने की कई घटनाएं देख चुके हैं आप, हमने कई खबरें आप तक पहुंचाई है। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बादल फटने की खबर आई है। किन्नौर में बादल फटा है, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है, नदियां बरसाती नाले उफन रहे हैं, जान पर आफत बन रही है। पहले आप बादलों से बरसती बर्बादी की तस्वीरें देखिए, उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ सालों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी क्यों हैं और इसके पीछे वजह क्या है। बादलों पर किसका जोर, बल्कि इनके जोर के सामने तो इंसान भी बेबस है। किन्नौर के शलखर गांव में बादल फटा तो बस्ती की तरफ सैलाब बह चला। ये पानी सीधे बस स्टैंड की ओर जाते हुए नीचे गाड़ियां दबते हुए बस स्टैंड की तरफ पूरे इनके साथ फ्लड के साथ पूरा गाड़ी दबते हुए। बादल फटने से आए अतः पानी के साथ बड़े बड़े पत्थरों ने बर्बादी मचा दी। किन्नौर के शखलर गांव में पूरी बस्ती मलबे में दफन हो गई। शुक्र किसी की जान नहीं गई। बच गई जान, जान बच गई भाई, बहुत ही सही लगा, पूरा मलबा जाम कर दिया। ओ इनका इनका क्या है, इनका ये कहाँ है? गए भाग गए। ये मकान 8 से 10 फीट ऊंचे हैं, लेकिन अभी सिर्फ इनकी छत दिखाई दे रही है। पानी के साथ आई गाद, मिट्टी और पत्थरों ने सब दफन कर दिया। गाड़ियां, बुलडोजर, सड़कें सब तबाह हो गई। किन्नौर तिब्बत की सीमा से सटा इलाका है, यहां आम तौर पर ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन यहां भी बादल फटा और तबाही ले आया। बादलों ने बर्बादी उत्तराखंड में भी मचा रखी है। उत्तराखंड के चंपावत के टनकपुर इलाके में भारी बारिश की वजह से नाला उफान पर आया तो इलाके के लोग तस्वीर बनाने लगे और तभी सामने एक स्कूल बस आती है। ड्राइवर पानी की प्रचंड धार की ताकत से ज्यादा अपनी रफ्तार पर भरोसा करता है और यही गलती कर बैठता है। देखो देखो कहाँ जा रही है, बस बहुत जा रही है उधर का। करीब 60 टन वजनी बस पानी की चपेट से सड़क से खिसक कर नाले में जा गिरी। राहत यह है कि बस में बच्चे नहीं थे। बस का ड्राइवर और उसका सहयोगी बस से निकलकर जान बचाते हैं। अरे ऊपर को आ जाओ, इधर को, इधर को, इधर को, नीचे को जाओ, नीचे को, नीचे से नीचे पानी का, नीचे को, यहाँ गहरा बहुत है, उधर को जाओ। पानी की रफ्तार कम होती है तो बचाव का काम रफ्तार पकड़ता है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से टनकपुर पूर्णागिरी धाम के रास्ते पर बहने वाले पहाड़ी नाले में भी उफान आ गया। आसपास के लोग अपनी जरूरतों के लिए इन नालों को पार कर रहे हैं।
पूर्णागिरी तीर्थ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं की जान भी आफत में पड़ गई है। पहाड़ी राज्यों से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही है। घंटों में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी मिनटों में हो जाती है। इसके बाद नदियों में सैलाब, बस्तियों में बर्बादी होने लगती है। पहाड़ी राज्यों में अब तक बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं और हमने आपसे वादा किया था कि पिछले कुछ सालों में जो बादल फटने की ये घटनाएं बढ़ी हैं उसके बारे में आपको तफसील से बताएंगे। 6 जुलाई को हिमाचल के कुल्लू के मणिकर्ण में बादल फटा। इस आपदा में 4 लोग बह गए। 8 जुलाई को अमरनाथ में बादल फटा, 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 55 लोग घायल हुए। 9 जुलाई को जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 18 जुलाई को हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा, बड़ा नुकसान हुआ। ये सभी घटनाएं इसी साल जुलाई महीने की हैं। पहले ये जानते हैं कि बादल फटना होता क्या है और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की आपदाएं इतनी जल्दी क्यों आ रही है, रेकरिंग क्यों है। एक छोटे इलाके में जब बहुत भारी बारिश होती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। स्थिति में होता यह है कि बादलों से भारी मात्रा में पानी गिरता है और पूरे इलाके में फ्लैश फ्लड आ जाती है। आमतौर पर बादल फटने की घटनाएं हिमालय के जो पहाड़ियां हैं उस क्षेत्र में होती है। साल 2021 में हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की 26 घटनाएं हुई थी। हम आपको प्रतीकात्मक वीडियो के जरिए ये समझा सकते हैं कि जब बादलों से इस तरह पानी गिरने लगता है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। ये वीडियो बादल फटने के दौरान बनाया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने ये बादल फटने की परिभाषा जो है तय कर रखी है। उन्होंने बारिश को मिलीमीटर के हिसाब से नापने का एक पैमाना बना रखा है। अगर किसी इलाके में एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना माना जाता है। 1970 से 2016 तक एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने वाली सिर्फ 30 घटनाएं हुई हैं। कुछ मौसम विज्ञानी एक घंटे के अंदर 50 से 100 मिलीमीटर के बीच बारिश को मिनी क्लाउड बर्स्ट मानते हैं। हिमालय क्षेत्र में बादल फटने की घटनाएं सामान्य तौर पर जुलाई, अगस्त इन दो महीनों में होती है, लेकिन साल 2021 में मई के महीने से ही पहाड़ी राज्यों में मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं शुरू हो गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे जो जहां पर स्थित है वहां 1926 से लेकर 2015 तक के रेनफॉल डेटा पर रिसर्च की गई तो ये पता लगा कि मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि घटनाएं बढ़ क्यों गई, ये ज़्यादा क्यों होने लगी। पर्यावरणविद मानते हैं कि धरती का बढ़ता तापमान इसकी एक वजह है। रिसर्च कहती है कि आने वाले समय में दुनिया भर में मिनी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं और बढ़ जाएंगी। समुद्र का तापमान सामान्य से ऊपर बढ़ने लगा है। तापमान बढ़ने पर वातावरण में नमी बढ़ती चली जाती है। नमी से भरे बादल जब हिमालयी क्षेत्र में पहुंचते हैं तो गर्म हवाओं से वो टकराते हैं। इसी कारण बादल फटने की घटनाएं ज़्यादा होने लगी हैं। दुनिया भर के पर्यावरणविद समुद्रों के बढ़ते तापमान और रेनफॉल के पैटर्न पर अभी शोध कर रहे हैं। शुरुआती रिसर्च है जिसमें ये माना जा रहा है कि बढ़ते तापमान की वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है और कम ही वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश होने से बर्बादी भी बढ़ रही है। धरती को सींचकर नया जीवन देने वाली बरसात अब बर्बादी का कारण बन रही है। देश की कृषि व्यवस्था आज तक बारिश पर निर्भर है, लेकिन असामान्य बरसात की वजह से कहीं खेत सूख रहे हैं तो कहीं बस्तियां डूब रही हैं। पहले असम डूबा, फिर गुजरात का नवसारी डूबा, वलसाड सहित कई शहर डूबे, अब महाराष्ट्र का चंद्रपुर गले गले पानी में है। इंसानों की जिंदगी परेशानी में है। चंद्रपुर के मकान डूब चुके हैं। राहत और बचाव टीम चंद्रपुर से नावों में चक्कर काट रही है। पूर्वी महाराष्ट्र का ये शहर वर्धा नदी की दो सहायक नदियों इराई और जरपत के किनारे बसा हुआ है। भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी से नदी उफान पर है, शहर की जान पर बनाई है। ये महाराष्ट्र के अकोली की तस्वीरें हैं। गांधी ग्राम में पूर्णा नदी में
भारी बाढ़ की वजह से अकोला अकोट रास्ता बंद हो चुका है। अकोला में गांधी ग्राम के पूर्णा नदी पुल के ऊपर से करीब 7 से 8 फीट पानी बह रहा है। महाराष्ट्र के शहरों का हाल बुरा है तो वडोदरा भी बारिश के पानी में सांसें रोके खड़ा है। बीती रात की तेज बरसात के बाद वडोदरा की मुख्य सड़क पानी में डूब गई। रात भर जो बारिश गिरी 3 इंच बारिश गिरने से शहर के कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है। अभी हम आजवा रोड पे मौजूद है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पानी भर चुका है घुटन तक ये पानी है। इसीलिए लोग और जो यहाँ पर जो दो चक्री वाहन आ रहे हैं वो यहाँ आने से घबरा रहे। बात करें तो ये इलाके में कई सालों से ये दिक्कतें हैं क्योंकि यहाँ आपको तालाब जैसी स्थिति दिखती नजर आएगी क्योंकि ये जो प्रशासन है अभी भी नींद में लग रहा है। पहाड़ों में बादल फटने से तबाही हो रही है, मैदानों में भारी बारिश बर्बादी बन रही है। ABP News आपको रखे आगे।